गुड आफ्टरनून बच्चों, अभी मैं जंगल में फेसबुक कहानी आगे पढ़ाऊंगी और उसके बाद उसका अर्थ समझाऊंगी। इंटरनेट, सारे पशु पक्षी चौंक कर बोले। खरगोश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ साथियों, अब हम इंटरनेट का प्रयोग करके अपने परिचितों, मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जब चाहे बात कर सकते हैं और हर तरह की सूचनाओं का भी आदान प्रदान कर सकते हैं। तोता फुदकते हुए बोला, पर दादा, सूचनाओं का आदान प्रदान तो हम टेलीफोन के द्वारा भी कर सकते हैं। हाँ मिट्ठू तोते, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। टेलीफोन पर हम बात तो कर सकते हैं, परंतु इंटरनेट के बिना एक दूसरे की तस्वीर नहीं देख सकते। एक दूसरे की तस्वीरें देखने के लिए तो हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। खरगोश की बातें सुनकर सभी पशु पक्षी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। खरगोश फिर बोला, साथियों, यदि हमारे पास कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा हो तो हम अपनी ईमेल की चिट्ठी कहीं से भी भेज सकते हैं और कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। बस चिट्ठी भेजने और पाने के लिए एक ईमेल पता चाहिए। इतना ही नहीं, आजकल तो मनुष्य ने बहुत उन्नति कर ली है। उसने फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी कई सोशल साइट बना ली हैं। इस पर अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं और अपने चित्रों का आदान प्रदान कर सकते हैं। बच्चों, अभी मैं आज समझाऊंगी। जब खरगोश बोलता है कि क्यों ना हम इंटरनेट का प्रयोग इस जंगल में करें, तो जंगल के सभी पशु पक्षी चौंक जाते हैं और एक साथ बोलते हैं, इंटरनेट? खरगोश मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ मित्रों, अब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपने परिचितों, साथियों और रिश्तेदारों के साथ जब चाहे बात कर सकते हैं और सभी तरह की खबरों का आदान प्रदान अर्थात लेना देना भी कर सकते हैं। तोता फुदकते हुए कहता है, पर दादा, खबरों का लेना देना तो हम टेलीफोन के द्वारा भी कर सकते हैं। इस पर खरगोश कहता है, हाँ मिठू तोते, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। टेलीफोन पर हम बात तो कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट के बिना एक दूसरे की तस्वीर नहीं देख सकते। एक दूसरे की तस्वीरें देखने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। खरगोश की ये सारी बातें सुनकर सभी जंगल के सभी पशु पक्षी आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। खरगोश फिर बोल पड़ता है, मित्रों, यदि हमारे पास कंप्यूटर और इंटरनेट का आराम मिल जाए तो हम अपनी ईमेल की चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं और कहीं भी उसे प्राप्त कर सकते हैं। बस चिट्ठी भेजने और पाने के लिए एक ईमेल पता बनाना पड़ता है। इतना ही नहीं, आजकल तो लोगों ने बहुत तरक्की कर ली है। उसने फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी कई सोशल साइट बना ली है। इस पर अपने मित्रों से बात कर सकते हैं और अपने चित्रों का लेना देना भी कर सकते हैं। आपके जन्मदिन का अवसर हो तो सबको ईमेल द्वारा निमंत्रण दीजिए। न कार्ड छपवाने या चिट्ठी लिखने की परेशानी और ना ही डाकघर जाकर टिकट लगाने की सिरदर्दी। अरे वाह, यह तो सचमुच में कमाल का विचार है।
सभी पशु पक्षी ने सोचा। बस फिर क्या था, जंगल के राजा शेर ने जंगल में तुरंत कंप्यूटर और इंटरनेट लगाने का आदेश दिया। सभी पशु पक्षियों ने अपना ईमेल का पता बनाया। बच्चों अभी मैं समझा रही हूँ, यदि आपका जन्मदिन का अवसर हो या जन्मदिन का मौका हो तो सबको ईमेल के द्वारा बुलावा भेजा जा सकता है। इसमें न कार्ड छपवाने का झंझट, न चिट्ठी लिखने की परेशानी और न ही डाकघर जाकर टिकट लगाने की सिरदर्दी है। तब जंगल के सभी पशु पक्षी सोचते हैं, अरे वाह, यह तो वास्तव में कमाल का विचार है। फिर जंगल के राजा शेर जंगल में तुरंत कंप्यूटर और इंटरनेट लगाने का हुक्म देते हैं। जंगल के सभी पशु पक्षी अपना ईमेल पता बनाते हैं। अब सभी पशु पक्षियों के मित्रों और सगे संबंधियों की चिट्ठियां और तस्वीर इंटरनेट पर ही आती। फेसबुक की सहायता से उनके बहुत से बिछड़े मित्र भी मिल गए थे। जब जंगल में फेसबुक और इंटरनेट लग गया तब सभी पशु पक्षी अपने मित्रों और सगे संबंधियों को चिट्ठी भेजते और तस्वीर इंटरनेट पर डालते और उनकी तस्वीर तथा चिट्ठी भी प्राप्त करते। फेसबुक की सहायता से उनके बिछड़े जो दोस्त थे वे भी आपस में मिल गए। समझ गए बच्चों? धन्यवाद।